शाहिद कपूर के बेटे का नाम जैन कपूर रखा गया है और खुद शाहिद कपूर ने ट्वीट कर अपने फैंस को इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद हर कोई शाहिद और मीरा को बधाइयां दे रहा है। हालांकि शाहिद कपूर के बेटे का नाम जैन कपूर तो रख लिया गया है, लेकिन अगर आपके मन में भी जैन कपूर के नाम को लेकर सवाल है तो चलिए आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। कई लोगों के मन में भी यह सवाल उठा कि आखिर शाहिद ने अपने बेटे का नाम जैन क्यों रखा है। तो आपको बता दें कि आखिर जैन का मतलब क्या होता है। जी हाँ, काफी खोजबीन के बाद हमें पता चला कि शाहिद के बेटे जैन के नाम का मतलब होता है खूबसूरती या सौंदर्य। आपको बता दें कि जैन शब्द की खोज हिब्रू, इंग्लिश और अरेबिक भाषाओं से हुई है। इन तीन भाषाओं में जैन का मतलब खूबसूरती ही है। मान गए शाहिद और मीरा की पसंद को बेहद ही खूबसूरत सा नाम रखा है। आपको याद दिला दें कि शाहिद की बेटी मीशा का नाम शाहिद और मीरा के नाम के पहले शब्द को लेकर रखा गया था और अब इनकी जिंदगी में जैन के आने से शाहिद कपूर का पूरा परिवार कंप्लीट हो गया है। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना। शाहिद कपूर के बेटे का नाम जैन कपूर रखा गया है और खुद शाहिद कपूर ने ट्वीट कर अपने फैंस को इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद हर कोई शाहिद और मीरा को बधाइयां दे रहा है। हालांकि शाहिद कपूर के बेटे का नाम जैन कपूर तो रख लिया गया है, लेकिन अगर आपके मन में भी जैन कपूर के नाम को लेकर सवाल है तो चलिए आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। कई लोगों के मन में भी यह सवाल उठा कि आखिर शाहिद ने अपने बेटे का नाम जैन क्यों रखा है। तो आपको बता दें कि आखिर जैन का मतलब क्या होता है। जी हाँ, काफी खोजबीन के बाद हमें पता चला कि शाहिद के बेटे जैन के नाम का मतलब होता है खूबसूरती या सौंदर्य। आपको बता दें कि जैन शब्द की खोज हिब्रू, इंग्लिश और अरेबिक भाषाओं से हुई है। इन तीन भाषाओं में जैन का मतलब खूबसूरती ही है। मान गए शाहिद और मीरा की पसंद को बेहद ही खूबसूरत सा नाम रखा है। आपको याद दिला दें कि शाहिद की बेटी मीशा का नाम शाहिद और मीरा के नाम के पहले शब्द को लेकर रखा गया था और अब इनकी जिंदगी में जैन के आने से शाहिद कपूर का पूरा परिवार कंप्लीट हो गया है। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना।